और क्या ऑप्शन बताए थे मैंने, राइट क्लिक करेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन में हमारे पास लेआउट एंड फॉर्मेट में होता है मर्ज एंड सेंट्रल सेल्स का, ठीक है जी। टूल्स एंड फिल्टर्स में होता है शो ग्रैंड टोटल टोटल फॉर रोज एंड कॉलम, ठीक है जी। रो के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे टोटल आ जाता है, कॉलम के लिए कॉलम वाइज टोटल आ जाता है नीचे ग्रैंड टोटल वगैरह, तो ये ग्रैंड टोटल शो करता है। अभी क्यों नहीं कर रहा, सिटी को मैं यहां पे लेके जाता हूं, अब यहां पे कर रहा है मेरे सामने। ये एक्चुअली मैं क्या करता है ना, एक ही फील्ड का टोटल करता है, जैसे ये आप यहां देख रहे हैं M1, डेटा में जाएंगे M1, ये जो है ना हमारा, ये सिर्फ इसी फील्ड का टोटल करेगा, इसका नहीं करेगा, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करता है, ठीक है जी। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा डेटा क्यों बनाया, मैं जरा सा अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ऑप्शन में। ग्रैंड टोटल फॉर रो, रो के लिए नहीं लाना, आप अनचेक करेंगे वहां से चला जाएगा, यहां पे नहीं आ रहा, इसी तरह से कॉलम के लिए भी होता है। डिस्प्ले में क्लासिक पाइवट टेबल, आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्लासिक लेआउट में ले आएगा, कॉलम का डिफरेंस होता है, ठीक है। बटन वगैरह प्लस माइनस के बटन आप यहां से भी दिखवा सकते हैं, यहां पे हमारे पास चेक बॉक्स है, सॉर्टिंग यहां से कर सकते हैं, फील्ड कैप्शन और ड्रॉप डाउन। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहां पे मुझे ड्रॉप डाउन जो फिल्टर टाइप का दिखा रहा था वो नहीं दिखाता, एक्चुअली वो फिल्टर का ही काम करता है। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन, अगर मुझे यहां से खाली मुझे ये देखना हो, केवल सुशील का डेटा देखना हो, तो ये मेरा रिपोर्ट सुशील का दिखाएगा, ग्रैंड टोटल भी उसी का दिखाएगा, दो का देखना हो, तीन का देखना हो, एक साथ उनका डेटा दिखाने लगेगा। इसी तरह से आप सिटी का भी कर सकते हैं, पलवल में खाली, अब यहां से मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूं और सिर्फ पलवल का डेटा, ठीक है जी। इस तरह से आप अपना मतलब मनचाहा डेटा जैसे भी चाहें वैसे निकाल सकते हैं, फिल्टर का भी काम करता है। और उसके अलावा क्या ऑप्शन बताए थे मैंने, डेटा में सेव सोर्स डेटा विद फाइल और इनेबल शो डिटेल। इनेबल शो डिटेल था जो मैं डबल क्लिक मार के किसी उनका डेटा ले लेता था। सेव सोर्स डेटा क्या होता है कि आपका अगर मैं फाइल को डिलीट भी कर देता हूं ना तो इस टाइम डेटा रहता है, पर अगर मैं उस पर अगर अनचेक होगा तो वो डेटा साथ में नहीं रहेगा, आपकी पाइवट टेबल हिलेगी नहीं, ठीक है जी। तो ये चीजें मैंने कल बताई थी आपको, तो थोड़ा सा इसमें एडवांस ऑप्शन पे चलते हैं इसके। सबसे पहली चीज मैं सिटी को यहां पे ले आता हूं, आप ये देख रहे हैं सम M1 सम टू, या सिटी को वहीं रहने देते हैं, बार बार नहीं चेंज करते। अब यहां पे M1 M2 अलग अलग आ रही है हमारे पास फील्ड, है ना। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज जो है ऐसे ऐसे ना आए बल्कि ऐसे ऐसे आए, ठीक है जी, कॉलम वाइज ना आए रो वाइज आए। तो ये जो वैल्यूज देख रहे हैं आप इस जगह पे कॉलम लेवल्स में वैल्यूज, जो कि हमारी ये वैल्यूज में M1 M2 है सम कर रहे हैं, इसको अगर मैं उठा के यहाँ रो में ले आता हूं तो ये डेटा कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। देख रहे क्या हुआ, सम ऑफ M1 सम ऑफ F2, ये जो वैल्यूज का डेटा है कैलकुलेशन वाला डेटा है आपका, इस तरह से आने लगेगा, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि एक मेरे को रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मेरे पास M1 M2 M3 M4 M5
M6, M7, M8, M9, ये मंथ है मेरे, टोटल 12 महीने का डेटा है मेरे पास, ठीक है जी। सिटी हटा देता हूँ, हर एक का 12 महीने का डेटा है इस तरह से। अब मुझे इसमें ये देखना है कि मेरे को अब इन सब का टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल, इन सब का मुझे टोटल चाहिए सामने। मैंने बताया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, देखते हैं हम अपने डिजाइन में जाके वहां से ग्रैंड टोटल रोज एंड कॉलम्स और सिटी, एक एंटिटी और लानी पड़ेगी मुझे, तो ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे जाके एंड में किसने अगर ग्रैंड टोटल किया होगा। ये हर एक का अलग अलग टोटल किया है, ठीक है जी। मुझे चाहिए एक साथ टोटल सबका, तो उसके लिए मैं इतना लंबा प्रोसीजर तो करूंगा नहीं। क्या शॉर्टकट कर सकते हैं उसके लिए? हमारे पास जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है फील्ड्स, इसको बोलते हैं आइटम्स, और जो इधर होती है हमारे पास ये जो डेटा होता है इसको कहते हैं फील्ड्स। जैसे M1 M2 हम यूज कर रहे हैं ना, वैल्यूज में जो आ रही हैं, इनको बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा डेटा होगा टेक्स्ट डेटा विदाउट कैलकुलेशन वाला, वो आपका यहाँ पे होगा, और जो कैलकुलेशन वाला डेटा होगा वो आपका इधर पे होगा। अब मेरा सवाल ये है कि मंथ 12 महीने का मुझे खाली टोटल चाहिए, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं कि मंथ 1 में कितना हुआ, 2 में कितना हुआ, में कितना हुआ। तो हम सीधा सीधा जाएंगे अपने, दूसरी बात, अगर आप पाइवट टेबल से बाहर होंगे तो पाइवट टेबल ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आपको पाइवट टेबल टूल्स के ऑप्शन आएंगे, ठीक है जी। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर हमारे पास है फॉर्मूला, इसमें आपके पास है। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो ये मेरे को दिखा रहा है कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम इस टाइम डिसेबल है, ठीक है जी। वो जिस पे होगा वो वही दिखाएगा, अगर मैंने यहाँ रख रखा होगा कैलकुलेटेड आइटम, अब यहाँ पे मेरा खुल गया। तो मैं कैलकुलेटेड फील्ड उठाता हूँ पहले, मेरे को क्या चाहिए, मैं यहाँ पे नाम दूंगा टोटल, यहाँ पे जो है इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, M1 माफ कीजिएगा M2 आ गया, आगे क्लिक करूंगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 प्लस M8 प्लस M9, इन सबको इंसर्ट करूंगा और आगे प्लस प्लस कर दूंगा। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होती, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई इस तरह की कैलकुलेशन होती है। ये मेरी सारी फील्ड्स आ गई, इसको ऐड करूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये मेरे को कहाँ दिखाएगा, अब जब मैं इस लिस्ट में आऊंगा तो सबसे लास्ट में मेरा आ गया टोटल, मैं बाकी सबको हटा देता हूं। और यहां से खाली टोटल को चूज कर लेता हूं, सारी सिटीज का मुझे टोटल दिखाने लगा, ठीक है जी। सिटी को हटा देता हूँ इस तरह से,
तो ये सबका टोटल मेरे सामने आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं सही आ रहा है गलत आ रहा है। 156, 186, 156, 186 करेक्ट है। तो ये चीज क्लियर है आपको? कैलकुलेटेड, कोई भी आपको कैलकुलेटेड फील्ड कैसे बनानी है। अब कैलकुलेटेड आइटम की तरफ चलते हैं। आपके जैसे मान लीजिए आपके में टीम लीडर होते हैं, ठीक है जी। ये मान लीजिए एक तरह की सेल्स है, हर सिटी में सेल्स है। अब कह रहा हूं सुशील, भारत और नवीन, ये तीन एक बंदे के अंदर दे रखे हैं हमने, योगेश नाम है उसका, ठीक है जी। और वो डेटा में नहीं है हमारे, ये हमको अंडरस्टूड है कि योगेश करवा रहा है, ये तीन बंदे हमारे पास चल रहे हैं। तो अब हमें इन तीनों का टोटल चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, अपने ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मूला, कैलकुलेटेड आइटम को उठा लेंगे। अब इसमें हमारे साथ जो नाम थे, जैसे नेम सिलेक्टेड है, वो यहां पे दिखाने लगा। मैंने मैंने बोला सुशील, मैंने बोला सुशील प्लस भारत प्लस नवीन, ठीक है जी। इसको नाम दे दिया मैंने योगेश का, ठीक है जी। ऐड किया, ओके। यहां पे देखिए योगेश के नाम से आ गया। इन तीनों का जो टोटल है वो आपको यहां शो करेगा। पर जब भी आप ये चीज करें तो एक चीज ध्यान रखें, फिल्टर में से वो तीन, इन तीनों को हटा देते हैं, नहीं तो उनका टोटल जो है इसमें रिपीटेड होगा, ठीक है जी। अब हमारे पास योगेश का डाटा है। ये दो चीजें क्लियर है मेरी, कैलकुलेटेड। तो इससे हमारा नीचे का ग्रैंड टोटल वो तो गलत हो जाएगा। ग्रैंड टोटल गलत होगा, इसके लिए ही मैंने बताया कि आपको वो बंदे हटाने पड़ेंगे इसमें से, नहीं तो ये रिपीटेड हो जाएगा। इन तीनों का जो है वैल्यू इसमें टोटल हो जाएगी। आप इसको फिल्टर से हटा दीजिए, वैल्यू सही आएगी। ये तीन हटा दिए मैंने, योगेश है इसमें, और यहाँ पे देखिए 156, 186, यही टोटल था हमारा। ठीक है ना, इस तरह से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे चलते हैं इसमें। और हाँ, अगर आपको इसमें एक और ऑप्शन भी है, अभी मैंने योगेश बनाया, आप इनको ग्रुप ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे योगेश करके मैंने एक, तो ये फॉर्मूला टाइप में हो गया। एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे सुशील इस यहां से यहां तक मेरा एक ग्रुप हो गया, क्या नाम है, मैं ऑप्शन में जाऊंगा, ये ग्रुप सिलेक्शन है ना, तो इसका इसने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है जी। इसको मैंने छांट के दूसरा ग्रुप बना दिया, ग्रुप टू, एक्सपेंड और कॉलेप्स। अब ग्रुप वाइज हम टोटल देख सकते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। ग्रुप हमारे पास कहाँ काम आ सकता है, जैसे आपके पास डेट ही डेट आ गई, या मान लीजिए M1 M2 जितनी बार आया, 50 बार आ गया मान लो, मैंने तीन ग्रुप में कर दिया इनको, ये Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके चार ग्रुप बांट दिए, उसमें ग्रुपिंग काम आ जाएगी। जैसे पलवर, हिसार, भिवाड़ी, रोहतक, इसको डाल देता हूं मैं ग्रुप करके हरियाणा में, ग्रुप सिलेक्शन, इस ग्रुप का नाम दे दिया मैंने हरियाणा। यहाँ पे काफी सारे ऐसे चेंजेस है छोटे छोटे जो मैं कर सकता हूँ। अभी इन तीनों की इकट्ठे देखनी है, मैंने इसको ये कर दिया, ये आ गया मेरा, ठीक है जी। ये कहाँ काम आएगा, जैसे 31 दिन की सेल है, हफ्ते वाइज सेल दिखानी है, डेली की सेल है, मतलब आपके पास साल भर का
पूरा एक कॉलम हो गए लंबे, आप महीने में दिखा सकते हैं उसको, ग्रुप बना बना के, ग्रुप बना बना के। ठीक है जी, तो इस तरह के इसमें ऑप्शन है। बाकी आपने अब कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूले लगा दिए हमें नहीं पता, आपको देखना है किसी एग्जिस्टिंग पाइवट में क्या क्या लगा है, फॉर्मूले में जाइए, लिस्ट फॉर्मूला एक चीज है, इस पे क्लिक कीजिए, जहाँ जितने फॉर्मूले, कैलकुलेटेड फील्ड जो हमारी वो आ गई कि टोटल नाम से बनी है, ये है योगेश नाम से बना है, और ये है कैलकुलेटेड आइटम। ठीक है जी, एक नई शीट में एक डिस्क्रिप्शन टाइप आ जाती है। अब चलते हैं पेज की तरफ, मैं अनग्रुप सिलेक्शन कर देता हूं पहले, आप ग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप इसको भी कर देता हूं, अनग्रुप यहां से कर देता हूं, इसको भी अनग्रुप। ठीक है जी, अब जैसे ये सिटी वाइज है, सिटी वाइज है, मैं इस सिटी को यहां से उठा के रिपोर्ट फिल्टर में डाल देता हूं। ठीक है जी, अब जब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, ये पलवल, हिसार, भिवाड़ी, आप अलग अलग चूज करके अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है जी, एक पेज वाइज बना देता है आपके सामने, ये मल्टीपल सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक कीजिए, जितने आपने करने हैं एक साथ कर लीजिए, यहाँ आ गए। ठीक है जी, कई बार जब इस तरह से हमें पेजेस बनाने पड़ते हैं तो क्या होता है कि हमें पलवल का एक शीट में चाहिए, फरीदाबाद का एक शीट में चाहिए, दिल्ली का एक शीट में चाहिए, सेम रिपोर्ट। ठीक है जी, वहां पे क्या करेंगे हम बार बार यहाँ से डबल, यहाँ लाके डबल क्लिक तो मारते नहीं रहेंगे, उसके लिए आप इस पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, और ऑप्शन में ऑप्शन होता है आपके ये शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ठीक है जी, इसने दिखाया सिटी, एक चीज और कि आप रिपोर्ट फिल्टर में भी दो तीन डाटा अपना उस हिसाब से डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही का एक पेज बनेगा। ठीक है जी, अब यहाँ सिटी अवेलेबल है तो सिटी दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, अब यहाँ पे देखिए पलवल के अंदर पलवल नाम की शीट आ गई, पलवल का डेटा, हिसार के अंदर हिसार का डेटा, भिवाड़ी के अंदर, मतलब ये जितनी हमारे वो थी उसने शीटें बना दी उतनी। या ठीक है जी, आप प्लीज थोड़ा दोबारा से बताएंगे ये वाला क्वेश्चन, क्या चीज? ये जो अभी आपने अलग पेज से सिटी वाला लिया था हाँ जी, तो वहां से एक बार दोबारा बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने रिपोर्ट फिल्टर पेजेस है ना, ये जितना भी आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है जी, अलग अलग पेजेस हैं, और इन पेजेस को सेपरेट शीट्स में लाने के लिए आपको ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन में शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, दैट इज जो आपने पाइवट टेबल आपने सिर्फ नेम और सिटी का लिया है इसके लिए, हाँ मैंने नेम और उसके बाद सिटी, हम ऑप्शन से जाएंगे। नेम नेम मेरा रो में है, सिटी मेरा मैंने पेज में डाल दिया है, मैं चाहूँ तो नेम को पेज में डाल दूँ, सिटी को नीचे डाल दूँ। अभी तो ये मैंने इसको वो कर दिया है, मैं इसको पहले तो डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। ठीक है जी, ये था मेरा मेन पाइवट, अब मैं इसको नेम वाइज चाहता हूँ, मैं नेम वाइज ऊपर कर दूंगा, सिटी को यहां से पहले हटा देता हूँ पेज से, सिटी उठा के यहाँ ले आया, नेम उठा के यहां से, फील्ड लाइक यू आर मूविंग कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द पाइवट टेबल एरिया, वाई यहाँ डाल सक, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, वो ड्रैग करने से भी हो जाता है,
मैं यहाँ से सिटी तो डाल पा रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो नहीं डाल पा रहा। ये हाँ, और इन वो, केस मुझे पूरा डेटा चाहिए हाँ जी, एग्जीक्यूटिव वाइज, क्या चीज़? बट उन्होंने अगर मुझे सिटी वाइज डेटा चाहिए हाँ जी, हाँ कि किस एग्जीक्यूटिव के अंदर कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट के कांटेक्ट डिटेल्स, तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट फिल्टर में सिर्फ उनका एग्जीक्यूटिव का नाम देना होगा या फिर सारे क्राइटेरिया जो जो मुझे चाहिए वो देना होगा? रिपोर्ट फिल्टर हो रहा है मैम। ये जो सामने आप ये देख रहे हैं ना, ये जो रिपोर्ट बनी हुई है, अब ये किसी एक एक ही क्राइटेरिया के बेस पे अलग होगी ना। पेजेस जिनके बनेंगे, एक पेज बनेगा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने अभी तो सिटी डाला है यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में, कोई और क्राइटेरिया होता मेरे पास, मैं मान लीजिए डेट भी डाल देता यहाँ, तो दो फिल्टर आ गए मेरे पास। अब मैं इन दोनों के बेस पे अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अगर मैं रिपोर्ट फिल्टर पे जाऊं, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, अब मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा है, कर मैं किसी एक ही के हिसाब से कर सकता हूँ, है ना, दोनों के हिसाब से नहीं कर सकता। तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा शीट के आएगा ना, उस हाँ, एक जैसे सिर्फ पर्टिकुलर मा, सिटी या मा, उस डेट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब आएगा। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट फॉर्मेट तो एक ही है, वो एक ही फॉर्मेटेड डेटा। मान लीजिए आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने डेट वाइज कर दिया, फिर मैंने सिटी वाइज कर दिया, पर वो पेज उतने उतने हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है जी, तो पेज वाला सिस्टम समझ आया आपको? ठीक है जी, और क्या था, एक चीज और थी इसमें, जो रिपोर्ट लिस्ट फॉर्मूला देख लेते हैं क्या चीज। सॉल्व ऑर्डर क्या है? सॉल्व ऑर्डर में कैलकुलेटेड आइटम वगैरह हैं जो आपने, जैसे योगेश बना दिया, अब योगेश मैंने बना तो दिया, डिलीट करना हो कहाँ से करूँगा, यहाँ से तो होगा नहीं है जी। लगाना तो बता दिया, हटाना तो बताया ही नहीं। तो आप ये सॉल्व ऑर्डर में चले जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, ओके, सॉल्व ऑर्डर में जितना भी हमने लगाया वो सारा शो करेगा। हाँ, आइटम्स का शो करेगा, बाकी इसका देख लेते हैं। यहाँ जो हमने टोटल करा था वो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, इसको ये देखते हैं कहाँ से हिलेगा अब। अगर मुझे इसको भी तो डिलीट करना पड़ सकता है, नहीं वैसे इसको तो अनचेक कर दूंगा तो भी बात है, इसका काम हो जाएगा, उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक चीज और करते हैं, मान लीजिए यहाँ टोटल ले आया मैं, अब एवरेज चाहता हूँ मैं, एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा मेरा? टोटल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, जी आप बस इस पे आ जाइए, ऑप्शन पे जाइए, कैलकुलेटेड फील्ड, अब यहां से हम फील्ड चूज कर लेंगे टोटल, नहीं ये तो मॉडिफाई करने के लिए, यहां से इसका नाम दे देंगे एवरेज, ए वी जी एवरेज, और फॉर्मूला में पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू यहां से टोटल डिवाइडेड बाय 12 एड। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एवरेज भी आ गया। ठीक है जी, अब एक चीज थी, हाँ नंबर्स का, यही मैं भूल रहा था, एक ये नंबर को ले लेता हूं मैं, इस तरह से यहाँ
मान लीजिए कोई डेटा है, एज ग्रुप पता करना है, 100 एज हो गई हमारे पास, एज ग्रुप हो गया मान लीजिए, एज ग्रुप इसको एज अ एज ग्रुप या तो मैं बना ही लूं, मतलब हो गया यहाँ पे डेटा मेरा कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी रिपोर्ट हो गई मेरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, 1 से 10 तक कितने, 10 से 20 तक कितने, 20 से 50 कितने, और 50 से ऊपर कितने, ग्रुपिंग जो करनी है एक साथ करनी है, वो खाली मैं नंबर पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप फील्ड आता है एक ऑप्शन, ग्रुप फील्ड आता है यहाँ पे, स्टार्टिंग और एंडिंग ये आपके सामने आ जाएगी कि स्टार्टिंग मेरी 1000 पे थी, एंडिंग जो था 9988। मैंने कहा हजार हजार के सेट में डिवाइड कर दो, हो गए। ठीक है जी, बहुत सारी इसमें मतलब चीजें, ये ग्रुप फील्ड जो है आपका डेट के केस में भी चलता है। सपोज मैं ये नंबर्स को उड़ा फॉर अ दूं, पर्टिकुलर वीक हाँ अब मैं ये डेट को ही ले आऊं, डेट मैंने डाला ही इसलिए था मेरे ख्याल से, आ गई डेट, हाँ डेट तो है पर आ नहीं रही, क्या हो गया हमारी डेट को, डाटा डेट ऑप्शन में जाते हैं, ये जिस पे एक्टिव होगा डेट, अच्छा इसको ऊपर ले जाना, हाँ अब डेट आ गई मेरी यहाँ पे, यहां से मैं अब ग्रुप फील्ड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आप, मंथ क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में कर देता हूँ, दो भी कर सकता हूँ, एक साथ एक भी कर सकता हूँ, क्वार्टर अगर कर देता हूँ ठीक है जी, 4 क्वार्टर बना दिए इसने अपने आप उसी डेटों के, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं कहीं से कुछ मुझे, ठीक है जी। मंथ के भी चाहिए, ईयर के भी चाहिए, कर दीजिए क्वार्टर, मंथ मंथ भी बना दिए इसने, क्वार्टर ईयर भी बना दिए, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर है जी, जी ईयर वाइज ले लीजिए जैसा भी, मतलब रिपोर्ट का पूरा आप जितना मर्जी उतना घुमा सकते हैं, ये चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। ईयर्स इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्वार्टर्स क्वार्टर रहने देता हूँ, ये आ गए क्वार्टर। अब एक चीज और है, मैंने उसको छोटे में समझाता हूँ, इतने बड़े में नहीं, गड़बड़ करेगा। जैसे ये डेटा है मेरे पास, अब मुझे इसी पाइवट टेबल में यहाँ पे सिटी वाइज चाहिए, यहाँ से पहले मैं सिटी हटा देता हूँ रिपोर्ट फिल्टर से, अब सिटी वाइज चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा इस पाइवट को यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, अब पाइवट पूरी कॉपी करनी पड़ेगी एक्चुअली मुझे, और यहाँ से फुल पाइवट कॉपी करी, यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे नेम हटा के मैंने सिटी डाल दी, ठीक है जी। तो आपके पास नेम वाइज आ गया डेटा, सिटी वाइज आ गया, एक ही जगह, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग अपने आप उसके हिसाब से बदल जाएगी। इन दोनों का जो है डेटा सोर्स एक ही है, तो आप जब ऑप्शन पे एक बार रिफ्रेश करेंगे कोई भी डेटा चेंज करते वक्त, अभी देखिए क्या हो रहा है इन सब सिटी में, मैं देख लेता हूँ, एक एक डेटा और ऐड करता हूँ, इसमें कर देता हूँ हरविंदर, नया नाम डाल देता हूँ, और उसकी सिटी कह देता हूँ बेंगलोर, डेटा कुछ भी डाल देता हूँ, मैंने नाम और सिटी जो है अलग ऐड की है,
यहाँ पे पाइवट टेबल में क्या होता है, जब आप रिफ्रेश करते हैं तभी उसके अंदर के चेंजेस को यहाँ दिखाता है, ठीक है जी। पर इसमें तो वो नाम आया ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे डेटा सोर्स है हमारा, हम डेटा सोर्स पे जाते हैं, ये ले रहा है A1 से लेकर P262 तक, अब ये तो ले नहीं रहा है जी। या तो हमें डेटा बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, आप ये सिलेक्ट करें, ओके करें, तो अब यहाँ पे हरविंदर ऐड हो गया और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बैंगलोर है क्या इसमें, अच्छा इसमें भी डेटा सोर्स मुझे वो करना पड़ रहा है फिर से सिलेक्ट, तो अब बैंगलोर ऐड हुआ इसमें, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कभी देखा होगा हमारे पास होम टैब में यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल होता है, उसको एज अ टेबल फॉर्मेट करते हैं, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, माई टेबल हैड हेडर्स, इसका मतलब ये हेडर्स लेगा यहां से, इसका टेबल नेम क्या है, अब हम एक बार जाके इसके डेटा सोर्स को ऐड करा देते हैं, डेटा कहाँ था ऑप्शन में, डेटा सोर्स टेबल और रेंज, इस टेबल का नाम बेटर है आप इसको यहां से ना इंसर्ट से ले आए, टेबल तो बदल दिया है पर हमें इसका नाम नहीं मालूम पड़ रहा, इंसर्ट में, टेबल में ये जो चीज होती है ना सबसे नीचे आप देखेंगे ये इसकी रेंज होती है, ये रेंज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, जब मैं जैसे ही कोई नई एंट्री डालता हूं, मान लीजिए हरी, तो ये रेंज अपने आप इंक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब है कि नई एंट्री जो है वो अपने मतलब अपने आप अपडेट होगी। अमृतसर, किसमें चेंज किया था हमने देख लेते हैं, हो गई दोनों में अपने आप हो गई, ये ठीक है, वो रेंज अपने तो आप, हमने होम टैब से फॉर्मेट किया उससे हुआ ये। हाँ जी हाँ जी, ये जो फॉर्मेट किया है ना इसमें जो है, आप भी जैसे ही एंट्री करेंगे कुछ भी, ये अपनी रेंज को बढ़ा लेता है, ठीक है जी। दूसरा टेबल का क्या होता है, आपको यहां पे जैसे ABCD दिखाई दे रहा था ना, यहां पे सारे हेडर्स चेंज हो गए, हम वहां पे हेडर्स पे आएंगे तो ठीक है, यहाँ पे M13 अपने आप आ गया, देख रहे हैं, यहाँ पे आपको खाली जाके रिफ्रेश करना है और डेटा आपका अपने आप काम करने लगेगा, ठीक है जी, मतलब आपको बार बार रेंज बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो ये थी आपकी पूरी कंप्लीट पाइवट टेबल, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट आया हो,
अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है, पर आगे मैं एक चीज और दिखा देता हूँ इसमें। अब ये तो रही बात कि हमारे पास यहाँ डेटा है जी, अगर कोई बड़ी फाइल हो, बहुत ही बड़ी फाइल हो, और उसे खोलने में दिक्कत आ रही है, हम फाइल ही नहीं खोलना चाह रहे, या हमें खास कहीं से खाली लिंक मिल रहा है कि ये फाइल इस लोकेशन पे पड़ी है, वो खोलना नहीं है, ऐसी फाइल्स में आपको, जैसे मुझे इसी में ही लगाना है पाइवट टेबल, मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे डेटा के नाम से। और एक नई फाइल खोल लेता हूँ। अब मुझे उसी पाइवट टेबल का यहाँ, उस डेटा की पाइवट टेबल यहाँ चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास आल्ट डीपी था, एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसे आप एक्सेल में ही नहीं, एसक्यूएल सर्वर और कहीं भी और जो भी जगह लगा सकते हैं। गेट डेटा एक्सेल फाइल, ब्राउज, डेस्कटॉप पे था, यहाँ तो डेटाबेस के उसमें दिखा रहा है, न्यू डेटा सोर्स ही कर देते हैं, चलो कम से कम मुझे दिखाए तो सही। ऑप्शन ब्राउज, इसमें नहीं आते, यहां पे आते हैं डेटा में, ऊपर कनेक्शन में, डेटा में चूज कनेक्शन होगा एक, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा में कनेक्शन में, ऐड करते हैं, ब्राउज फॉर मोर, डेस्कटॉप पे, यहाँ से एक्सेल फाइल को भी, ऑल फाइल्स ही पहले चूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप में भी कहाँ है, डेस्कटॉप, डेटा के नाम से किया था मैंने, यहाँ पे शीट वन में था, ओके। नहीं यार, यहीं से आता है, उसमें तो अलग ही मतलब है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, गेट डेटा, डेस्कटॉप, ऑल डीपी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, यही टू यूज ऑफिस डेटा कनेक्शन, क्लिक कैंसिल एग्जिस्टिंग कनेक्शन इन गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप कनेक्शन डेटा, एक्सपोर्ट कनेक्शन फाइल को ऑफिस की डेटा कनेक्शन में मैं ऐड करा दूंगा, डेटा शीट, डेटा सोर्सेज में, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है,
गेट डेटा एग्जिस्ट एक्सेल फाइल ब्राउज़र डेटा सोर्सेज माय डेटा सोर्सेज नहीं कनेक्शन डेटा डेफिनेशन कमांड टेबल वन एक्सपोर्ट कनेक्शन फाइल डेटा यहाँ मैंने सेव कर रखा है ऑफिस डेटाबेस में। ये कहाँ से खुलेगा? ऑफिस डेटाबेस चलिए मैं इसको ना देख के बताऊंगा थोड़ा सा कहाँ से होता है इसमें। ठीक है जी, इसको मैं बाद में बता दूंगा इसका कैसे होता है। इसमें एक्चुअली में ऑप्शन कुछ उल्टे सीधे हो रहे हैं मेरे में, तो जनरल कंप्यूटर्स में नहीं होते हैं। मैं पता नहीं कहाँ से ये एक्सेल डाल रहा है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि alt dp के बाद एक्सटर्नल फाइल में एक्सटर्नल डेटा में चूज कनेक्शन सिलेक्ट फाइल और शीट जो हमने बनाई है वो चूज कर लेते हैं, तो ये आ जाता है। दूसरे एक्सेल में देख लेते हैं अपने 2010 में ये चीज चल रही है। rtp एक्सटर्नल डेटा, ये वैसे दोनों में ही एक ही बीमारी है लगी हुई है मेरा। दोनों में ही वही चीज है ऑप्शन। मैं देख के आपको इसको कल बता दूंगा, ठीक है जी। बाकी पाइवट टेबल की जो भी है आप उसकी प्रैक्टिस करें। दो चार और दिखा दूं।